साधारण स्काल चिन्ह निमित्त बन गया है। आप अनुकूल में झांकी प्रस्तुत करते हैं। चलिए चलिए, आप लोग का एरिया में ऐसा झांकी अभी कभी नहीं देखे होंगे। चलिए, जो हम लोग झांकी बनाए हैं अभी कभी आज तक ऐसा झांकी नहीं देखे होंगे जो झांकी बनाए हैं हम लोग। गाना से झांकी किस सोच में पड़ गए प्रभु, इसने क्या मांग ली, क्या वचन देकर वचन से विमुख हो रहे हैं आप? नहीं, हम अपने वचन से विमुख नहीं हो रहे। तो फिर आप मुझे वरदान दो, जिसके सर पे हाथ रखूं वो जलकर भस्म हो जाए। तथास्तु। शक्ति के आगे कोई नहीं टिक सकता। मैं तीनों लोगों पर राज करूंगा। मैं भस्मासुर तीनों लोगों का विजेता बनूंगा। प्रणाम मां। एक कौतूहल देखेगा। हमारा अभी ले हमारा इधर। दिखाऊं कौतूहल तेरे को, देखेगा हाँ? ये देख। बुझाओ 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 बुझाओ। मजा आया, मजा आ रहा है ना? मेरी शक्ति देखी देवी महाराज। ये ले, अब तू जा, तेरी बारी। बचाओ 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 बचाओ। भक्ति कहाँ है प्रिय, आओ तुम्हें मैं अपनी पटरानी बनाऊंगा। नहीं, बचाओ, बचाओ। नारायण नारायण भस्मासुर नारायण। ओए भाग गया तेरा नारायण, तुझे मेरे शिकार भगा दिया है, तुझे भस्म करता हूं मैं। नारायण नारायण, मुझे भस्म करके तुम्हें क्या मिलेगा भस्मासुर? मन की शांति मिलेगी। अगर भस्म करना ही है तो शंकर भगवान को भस्म करो। उन्हें क्यों भस्म करो? तुम्हारी अकल पर पर्दा चढ़ा है भस्मासुर, पर्दा है? अगर भोलेनाथ को भस्म कर दोगे तो माता पार्वती अकेली रह जाएंगी। फिर तुम जगत सुंदरी माता पार्वती को अपनी पटरानी बना सकते हो। सोचो सोचो भस्मासुर, कल्पना करो, ऐसी सुंदरी तुम्हें दूसरी मिलने वाली नहीं है। तो तेरी बात में दम है बड़ा। मैं पार्वती को अपनी पटरानी बनाऊंगा। हाँ। तो देर किस बात की कर रहे हो भस्मासुर, कैलाश पर्वत पर जाओ और भोलेनाथ का काम तमाम कर दो और माता पार्वती को अपनी पटरानी बना लो। नारायण नारायण नारायण। मैं चला कैलाश पर्वत पे। विनाश काले विपरीत बुद्धि, नारायण नारायण नारायण। भोलेनाथ, आपने जो भस्मासुर को वरदान दे दिया है उससे वो समस्त संसार में त्राही त्राही मचा सकता है। तुम सत्य कह रही हो पार्वती, यह मेरे लिए चिंता का विषय है। हाँ।
भस्मासुर, आज तुम बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हो। प्रसन्नता का है तो विषय है शंकर, आज मैं तुम्हें भस्म करके तुम्हारी पत्नी को अपनी पटरानी बनाऊंगा। दुष्ट, तेरी ये कामना कभी पूरी नहीं होगी। तुम शांत रहो प्रिय, शांत, तुम तो शांत स्वभाव में ही लगती है। भस्मासुर भोलेनाथ, आज तुम अपने द्वारा दिए गए वरदान से मृत्यु को प्राप्त होगे और मैं तुम्हारी पत्नी को अपनी पटरानी बनाऊंगा। तेरी ये कामना कभी पूर्ण नहीं होगी। तुम शांत रहो प्रिय। प्रिय, मैं अभी आता हूं और तुम्हारे पति शंकर को भस्म करके थोड़ी देर में आया और तुम्हारे साथ गंधर्व विवाह करूंगा। हाय हाय। नारायण नारायण। भोलेनाथ, ऐसी कौन सी विपदा आन पड़ी है जो आप कैलाश छोड़कर तीनों लोकों में भागते फिर रहे हैं? आप भी भाग लो, अन्यथा आपको भी भस्म कर डालेगा। कौन भस्म कर डालेगा? भस्मासुर। भोलेनाथ, ये अनोखा वर भी तो आप ही ने दिया है उसे। अब क्या कर सकता हूँ प्रभु, तुम ही कुछ करो और मेरे प्राण बचाओ। निश्चिंत रहिए, उस दुष्ट का अंत आ चुका है। वो आ रहा है, भागो भागो, भगलो भगलो। ओ कहां गया, ओ कहां गया शंकर? अरे अरे, कहां चले जा रहे हैं महाराज? कहां से आई हो, कहां जा रही हो? जाओ, हम आपसे नहीं बोलते। क्यों भला, हमसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया? क्यों हमसे लूटती हो? हम आपको उन तीनों लोगों में ढूंढते रहे और आप उस शमशानवासी शिव के पीछे पड़े हैं। प्रिय, वो तो हम उसकी पत्नी को अपनी पटरानी बनाना चाहते, इसीलिए उसको मारने के लिए, भस्म करने के लिए उसके पीछे भागे जा रहे थे। ऐसी कौन सी विशेषता है उस मरघटवासी की स्त्री में जो मुझ में नहीं? अरे, आपकी सुंदरता के पीछे तो स्वर्ग की अप्सराएं भी नतमस्तक हो जाएंगी। परंतु देवी, आप हैं कौन? मैं आपकी हृदयेश्वरी हूँ। आप करती क्या है देवी? मैं नृत्यांगना हूँ, नृत्य करती हूँ और नृत्य सिखाती हूँ। क्या आप मुझे नृत्य सिखाएंगी देवी? अवश्य, परंतु क्या सुंदरी, क्या हम नृत्य सीखने के योग्य नहीं हैं? ऐसी बात नहीं है, आपको तो हम शीघ्र से शीघ्र सिखा देंगे। तो विलंब क्यों करती है सुंदरी, इसी क्षण शुरुआत कर दो ना। आओ देखो, मैं जैसी जैसी मुद्रा करती हूँ तुम उसका अनुसरण करते रहना। अति उत्तम, अति उत्तम सुंदरी। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? विश्वासघात, विश्वासघात, धोखा किया तुमने हमारे साथ सुंदरी, धोखा किया। भस्मासुर, तूने खुद ही ये वरदान मांगा था भोलेनाथ से। नारायण नारायण।
विनाश काले निवृत्ति बुद्धि। यही भस्मासुर को वरदान दिया है शंकर भगवान कि जिसके सर पर तुम हाथ रखोगे वो जरकर जरझर हो जाएगा। विष्णु भगवान मोहन रूप धारण कर आए और राक्षस को भरा दिए कि मैं विवाह करूंगी, आपको पत्नी बनूंगी। और यही भस्मासुर अपने हाथ अपने सर पर रखकर जरकर जरझर हो गया। यही भस्मासुर को राखी बर्मा